नमस्कार साथियों, मैं दिनेश संधू आपका स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम रूबरू के अंदर। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी के अंदर गाने बहुत सुनते हैं। जब खुशी का माहौल होता है तब भी गाने सुनते हैं, जब दुख का माहौल होता है तब भी गाने सुनते हैं, जब किसी का दिल टूटता है तब भी गाने सुनते हैं, जब किसी का दिल जुड़ता है तब भी गाने सुनते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका संबंध इस बोरन तहसील से है और वो इस हिमाचल प्रदेश के एक उभरते हुए सितारे हैं, एक उभरते हुए कलाकार हैं जिनके दो गाने अभी तक रिलीज हो चुके हैं। तो आइए अब हम मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इस बोरन तहसील से संबंध रखने वाले एक उभरते हुए सितारे, एक उभरते हुए कलाकार, पीके मगलवानी जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही मैं दिनेश संधू जी का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया। तो इनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अपने बारे में कुछ बताइए लोगों को कि आप कहाँ से हैं, आपकी परवरिश कहाँ हुई, आप कहाँ पढ़े लिखे, आपकी एजुकेशन कहाँ हुई और आपकी फैमिली में कौन कौन है। मैं हमीरपुर जिला के छोटे से गांव मनभी से संबंध रखता हूँ, बर्थ प्लेस मेरा मनभी है और प्राइमरी एजुकेशन मेरी मनभी से हुई है। उसके बाद मैंने सेकेंडरी एजुकेशन अपनी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बानवी से लिया। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भोरे से मैंने कंप्लीट की। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मैं चंडीगढ़ में स्टडी करने के लिए चला गया, वहाँ पे मैंने MSc किया फैशन डिजाइनिंग में। अच्छा, आपने चंडीगढ़ से MSc किया फैशन डिजाइनिंग में। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है, अपने घर के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। फैमिली में मेरा एक छोटा भाई है, माता जी हैं और दादी जी, मतलब कि छोटी सी फैमिली है आपकी। तो दोस्तों, अभी हमने जाना है इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी कहाँ परवरिश हुई है, कहाँ ये पले बड़े हैं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, फैमिली में कौन कौन है। आइए जानते हैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्योंकि इन्होंने अभी बताया कि इन्होंने अपनी MSc फैशन डिजाइनिंग के अंदर की है जो एक खुद में ही एक बड़ा प्रोफेशन है। तो उस प्रोफेशन को उन्होंने क्यों छोड़ा और वो क्यों सिंगिंग के अंदर आए, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने उस प्रोफेशन को क्यों छोड़ा, वो क्यों आप सिंगिंग के अंदर आए। देखिए संधू जी, मैंने अपना प्रोफेशन तो नहीं छोड़ा है बट म्यूजिक के साथ मेरा बहुत सा लगाव है बचपन से ही, क्योंकि मेरा शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है म्यूजिक में। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपका बचपन से इंटरेस्ट रहा है म्यूजिक के अंदर, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पहली बार आपने कहाँ और कौन सा गाना गाया था, आपको किस एज के अंदर स्टेज मिला था परफॉर्म करने के। फर्स्ट टाइम मुझे मिला था डिग्री कॉलेज में। तो दोस्तों, ये जो डिग्री कॉलेज है, मैं भी इसी कॉलेज के अंदर पढ़ा हूँ और ये उस कॉलेज के अंदर मेरे सीनियर थे, तो इनसे मेरी पहली मुलाकात हुई थी जब हम एडमिशन लेने कॉलेज के अंदर गए थे। तो आपने उस समय कौन सा गाना गाया था जो आपको अभी तक याद है। गुलाबी आंखें। जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज जानने को मिली कि आपके दादाजी लेट श्री भगतराम मुसाफिर जी, जो कि एक जाने माने कवि थे हिमाचल प्रदेश के और जिनकी पहचान जो है बॉम्बे तक थी, जिनकी किताबें आपको बहुत सारी जो हिमाचल प्रदेश की स्टेट लाइब्रेरी शिमला के अंदर है वहां पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको इनके बारे में और भी जानना है तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर आपके दादाजी से आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या आपकी जो सिंगिंग करियर है, जो आपके सिंगिंग के अंदर इंटरेस्ट है, क्या वो उसकी इंस्पिरेशन है या फिर नहीं है। प्लस टू क्लियर करने के बाद मैंने एक पोइम्स की बुक लिखी और उस बुक को साहित्य अकादमी दिल्ली में मैंने भेजा था, तो वहाँ से मुझे रिटर्न में आंसर आया था कि आपकी बुक में जो है वो 70 पेजेस की है, तो आप इसको 100 पेजेस की करके दीजिए। वो चीज़ मैं थोड़ा डिले कर दिया। आपके दो गाने अभी तक रिलीज हो चुके हैं जी। आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो मेरा क्वेश्चन वहीं से है कि जब आपने पहला गाना रिकॉर्ड किया था जी, तो आपको जो सपोर्ट मिला था वो किस पर्सन का था, तो क्या आप उनका नाम लेना चाहेंगे इस इंटरव्यू के अंदर। वैसे तो हमारी टीम में बहुत से लोग हैं, एक शख्स हैं जिनका नाम मैं जरूर लेना चाहूँगा, वो हैं हमारे मनिंद्र सिंह जी, हमारे बड़े भाई और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज हम एक भी गाना रिलीज नहीं करवाते। मलगवानी जी, आपका पहला गाना पहाड़ी के अंदर आया था और दूसरा गाना आपका हिंदी के अंदर आया, तो क्या आप ये जो आपने शिफ्ट किया है पहाड़ी से हिंदी की तरफ, तो क्या आप अब हिंदी में गाना गाएंगे या फिर पहाड़ी के अंदर या फिर कोई और लैंग्वेज के अंदर आप गाना गाएंगे। लैंग्वेज का वैसे तो कोई बैरियर होता नहीं है, किसी भी लैंग्वेज के सॉन्ग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उनको कभी नकारेंगे नहीं कि हम नहीं गा सकते। अगर अच्छे सॉन्ग आएंगे तो वो किसी भी लैंग्वेज के होंगे, हम उनको जरूर गाएंगे। जो लॉकडाउन पीरियड है, आपका एक ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी चल रहा है जी, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे लोगों को। हमारा जो ऑनलाइन सिंगिंग कॉम्पिटिशन है ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो अभी चला हुआ है, उसकी जानकारी आपको वीडियो के एंड में संजय जी बता देंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है जहाँ हमने जान लिया है इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। तो चलिए
अब हम कुछ इस इंटरव्यू को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बढ़ते हैं इस इंटरव्यू के लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है रैपिड फायर राउंड। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? गुलाबी आंखें। फेवरेट हिल स्टेशन? मनाली। फेवरेट फूड? मक्की की रोटी और सरसों का साग। फेवरेट कलर? कलर ब्लू। स्वीट कौन सी है? रसमलाई। यहाँ पे पहले 5 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब जो लास्ट के 5 क्वेश्चन है, वहां पे 2 ऑप्शन आपको दूंगा मैं, और उन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। टी या कॉफी? कॉफी। ट्रेवलिंग या स्टे होम? ट्रेवलिंग। मनी और लव? लव। ओल्ड सॉन्ग या फिर न्यू सॉन्ग? बोथ। चैटिंग या फिर कॉलिंग? चैटिंग। तो दोस्तों, यहाँ पे आज का इंटरव्यू खत्म होता है। तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आज के गेस्ट पीके मंगलवानी जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया। तो आप सभी का धन्यवाद, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। अगर आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए। अगर आप इस वीडियो को Instagram पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।